रिया से आज ईडी फिर करेगी पूछताछ। ईडी ने तैयार की सवालों की लिस्ट। ईडी दफ्तर पर पत्रकारों के सवालों पर भड़की रिया। रिया से पिछले दो साल के निवेश पर होंगे सवाल। कुछ निवेश के बारे में अभी जांच एजेंसीज को नहीं है खबर। रिया चक्रवर्ती की दो प्रॉपर्टीज ईडी के रडार पर। खार का फ्लैट रिया और दूसरा उनके पिता के नाम पर है रजिस्टर्ड। रिया के दो खातों में आया था काफी पैसा। ईडी इस पैसे के सोर्स पर पूछेगी सवाल। सुशांत के निवेश पर भी रिया से होंगे सवाल। रिया के कंपनीज के बारे में भी होंगे सवाल। सुशांत केस में रिया पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंची। भाई और पिता भी पहुंचे साथ। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से आज फिर पूछताछ। दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी होंगे सवाल जवाब। रिया से 2.5 करोड़ की एफडी को लेकर पूछताछ करेगी प्रवर्तन निदेशालय। सुशांत ने बड़ी बहन के नाम पर कराया था फिक्स डिपॉजिट। सुशांत केस पे आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। शनिवार को महाराष्ट्र सरकार ने दाखिल किया है हलफनामा। शिवसेना ने सुशांत के परिवार की मंशा पर उठाए हैं सवाल। कहा बॉलीवुड हीरो के साथ उनके पिता के अच्छे संबंध नहीं थे। सुशांत केस को लेकर शिवसेना आग बबूला। सीबीआई जांच को बताया महाराष्ट्र के खिलाफ साजिश। शिवसेना पर सुशांत के भाई का पलटवार। सीबीआई जांच से वही घबराते हैं जो दोषी होते हैं। सामने आया सुशांत का नया वीडियो। पिछले साल अप्रैल में घर पर कराई थी रुद्राभिषेक और काल सर्प दोष की पूजा। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से आए 13 पंडितों ने सुशांत के घर करवाई पूजा। ब्राह्मणों को कराया था भोजन। सुशांत के घर पूजा करवाने वाले पंडितों से आज तक की खास बातचीत। कहा रिया को नहीं जानते। कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 62,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। देश में अब तक कोरोना के कुल 22 लाख केस। लगातार 3 दिन में 60,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना से अब तक 44,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। एक दिन में 1,000 से ज्यादा मौतें। कोरोना से अब तक 15,35,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। सुधर रही है रिकवरी रेट। 6 लाख से ज्यादा लोग अब भी कोरोना से पीड़ित। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस। विजयवाड़ा में बड़ा हादसा। कोविड सेंटर में आग लगने से 11 लोगों की गई जान। मृतकों के परिजनों को 50 लाख मुआवजे का ऐलान। विजयवाड़ा के कोविड सेंटर में आग की जांच के लिए बनी दो कमेटीज। ऐसे हादसे रोकने के उपाय भी बताएं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्लाज्मा करेंगे डोनेट। कोरोना को मात देने के बाद 5 अगस्त को अस्पताल से पहुंचेगा। दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग बना मजाक। रायसीना हिल्स पर जुटी भीड़। न 2 फीट की दूरी न मास्क की परवाह। मेरठ मेडिकल कॉलेज के कैंपस में बिखरा बायोमेडिकल वेस्ट। वीडियो वायरल होने पर जागा प्रशासन। जैसलमेर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बागियों के खिलाफ तेवर तल्ख। पायलट कैंप के लिए दरवाजे बंद। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने दिया भरोसा। अब हाईकमान से बागियों के लिए कोई पैरवी नहीं होगी। जैसलमेर में विधायकों से मिलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा सत्य की होगी जीत। हमारे विधायक एकजुट। इनका है उनके खिलाफ जो संघर्ष सही है वो विजय हमारी होगी क्योंकि प्रदेशवासी हमारे साथ हैं। कांग्रेस में शामिल बीएसपी विधायकों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विलय के खिलाफ हाईकोर्ट में दर्ज केस को सर्वोच्च न्यायालय शिफ्ट करने की अपील। पंजाब में शराब पर गरमाई कांग्रेस की सियासत। बाजवा ने की मुख्यमंत्री बदलने की मांग। पंजाब के डेरा बस्सी में एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक फैक्ट्री में 27,500 लीटर अवैध शराब जब्त। 4 गिरफ्तार। पाकिस्तान से आए 11 हिंदू शरणार्थियों की मौत। सरगम जहर का इंजेक्शन देकर मारने की आशंका। पुलिस ने मौत की वजह पारिवारिक कलह बताया। जांच जारी। वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ 11 साल पुराने मानहानि केस में आज फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जजों के खिलाफ की थी टिप्पणी। राजस्थान ने बीजेपी को सताया। विधायकों की सेंधमारी का डर। 6 एमएलए पहुंचे गुजरात। सोमनाथ दर्शन का दिया हवाला। राजस्थान में विधानसभा सत्र के लिए विपक्ष ने भी शुरू की मोर्चेबंदी। 11 अगस्त को जयपुर में बीजेपी और आरएलपी की बैठक। यूपी में 100 डीएसपी के तबादले पर अखिलेश ने उठाया सवाल। कोरोना काल में यह फैसला असंवेदनशील। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भराड़ी सैण विधानसभा के गेट। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को लगाई आवाज। पूछा कहां है ग्रीष्मकालीन सरकार। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए जीतन राम मांझी से हाथ मिला सकते हो। वैसे पूर्व सीएम से मिले एआईएमआईएम बिहार के अध्यक्ष। केरल में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर जारी। मरने वालों की तादाद 43 हुई।
6 जिलों में बाढ़ से भारी तबाही, सबसे ज्यादा प्रभावित इडुक्की शहर, मलबे से 17 और लाशें बरामद। 6 जिलों में आज भी भारी बारिश का अनुमान, कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम और अलपुजा में 20 सेंटीमीटर हो सकती है बारिश। मंगलवार से पहले केरल को बारिश और बाढ़ से राहत की उम्मीद कम, एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर। अलपुजा शहर में बाढ़ के हालात, बारिश के पानी में डूबी सड़कें। केरल के कोट्टायम में सैलाब में बही कार सवार की मौत। पंबा त्रिवेणी नदी उफान पर, डैम के खोले गए 6 गेट। भारी बारिश में अरुविकारा डैम लबालब, खोले गए 3 गेट। बाढ़ प्रभावित इलाकों से हटाए जा रहे हैं लोग, बोट और ट्रैक्टर से सुरक्षित भेजे जा रहे हैं। केरल के राजमाला में रेस्क्यू जारी, 3 दिन पहले हुआ था लैंडस्लाइड। बिहार में जारी है बाढ़ का कोहराम, छपरा में पानी में डूबी सड़कें, लोगों को नहीं मिल रही है राहत। बिहार के दरभंगा में बाढ़ की वजह से घरों में कैद लोग, बेडरूम से लेकर बाथरूम तक पानी। हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे तेज प्रताप यादव, ट्रैक्टर पर घूम घूम कर बांटा राहत सामग्री का सामान। छपरा में कम्युनिटी किचन बंद, बाढ़ पीड़ितों ने किया प्रदर्शन। कश्मीर के गांधरबल में फ्लैश फ्लड, कई घर तबाह। उत्तराखंड के कालाडूंगी में उफान पर नदी नाले, बहते बहते बचे स्कूटी सवार। कुछ घंटों की बारिश में पानी पानी, जबलपुर कई इलाकों में जल जमा। झारखंड के चतरा में भारी बारिश से सड़क पर भरा पानी, 10 साल बाद हुई इतनी बारिश। यादगीर में कृष्णा नदी उफान पर किनारा डूबा, एनडीआरएफ की टीम ने जानवरों को किया रेस्क्यू। गंग नदी से निकली कार, मिले 2 युवकों का शव। जोरहाट में ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग शॉप में भीषण आग, धमाके की आवाज सुनी गई, 2 लोगों की मौत। दूर दूर तक देखी गई आग की लपटें, मंजर देखकर लोग दहले। पेट्रोल की वजह से तेजी से भड़की आग, कई घंटे की मशक्कत के बाद काबू में आ पाई आग, अभी आग लगने की वजह नहीं मालूम। नोएडा की बॉल कंपनी बनाने वाले एक कंपनी में भीषण आग, 1 की मौत। हिसार के होटल में थाईलैंड की महिला से रेप, होटल मैनेजर समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के नए ड्राफ्ट का राहुल गांधी ने किया विरोध, कहा ये देश के संसाधन लूटने वालों की मदद। रामपुर में महिलाओं की अनूठी पहल, पर्यावरण बचाने और नशे के कारोबार को खत्म करने की उठाई कसम। वंदे भारत मिशन के तहत अबुधाबी से आए 64 यात्री होटल में होंगे 7 दिन क्वारंटीन। कश्मीर में आतंकवादियों के हमले से घायल बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, कल बड़गाम में हुआ था हमला। श्रीनगर के मशहूर ट्यूलिप गार्डन में लगा पहला हाईटेक कोल्ड स्टोरेज, अगले साल के लिए कंद बीज महफूज रखने में मिलेगी मदद। लखनऊ के आशियाना में बदमाशों के साथ एनकाउंटर, नामी बदमाश को लगी गोली। गिरफ्तार बदमाश की हत्या के केस में थी तलाश, पिस्टल और बाइक बरामद। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले सुरक्षा की गई कड़ी, भीड़ भरे इलाकों में लगातार गश्त। प्रयागराज में अज्ञात बदमाशों ने वकील पर चलाई गोली, अतीक गैंग के बदमाशों पर शक, वकीलों ने हमले को लेकर किया हंगामा। जेएनयू कोरोना गाइडलाइंस को लेकर हंगामा, आईसा का आरोप, नियमों का पालन कराने में हो रहा है भेदभाव। दिल्ली के पौश इलाके वसंतकुंज में एनकाउंटर, पुलिस ने पैर में गोली मारकर वांटेड बदमाश को दबोचा। एटीएम मशीनें उखाड़ कर ले जाने की वारदात में शामिल था बदमाश, मेवाती गैंग लीडर की काफी दिन से थी तलाश। विकास दुबे के भतीजा बनकर वसूली करने वाला गिरफ्तार, निकला 25,000 का इनामी बदमाश। मामूली बात पर बुजुर्ग को पीट पीट कर मार डाला गया, 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में पेड़ से लटके मिले दंपत्ति के शव से हड़कंप, 4 साल पहले दोनों ने किया था प्रेम विवाह। मध्य प्रदेश के धार में एक किसान के घर डकैतों का हमला, लूट के बाद की फायरिंग, 4 लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के दतिया से सीरियल किलर गिरफ्तार, 3 लोगों की हत्या में थी 2 साल से तलाश। मामूली झगड़े में चाचा ने भतीजे को चाकू से गोदा, चाकूबाजी की वारदात मोबाइल में कैद। अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना, पुलिस के हत्थे चढ़ा गया के इमामगंज शौकत अली गिरफ्तार, जिंदा कारतूस और हथियार बरामद। किसानों के कृषि उपकरणों समेत तो पकड़ में आया चोर, ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने के वक्त दबोचा। पिकअप वैन से मिला शराब का भंडार, स्कूटी से टक्कर के बाद खुलासा। विशाखापट्टनम में शिप में आग, फौरन आग पर पाया गया काबू। कांगड़ा के डमटाल की पहाड़ियों में ग्रेनेड मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में कल से
तीन दिन तक ट्रक की हड़ताल, डीजल की बड़ी कीमतों और चेक पोस्ट पर वसूली के खिलाफ सड़क पर उतरे ट्रांसपोर्टर्स। उधमपुर में तैनात कानपुर के एयरफोर्स कर्मी ने खुद को मारी गोली, परिजनों में मचा कोहराम। उन्नाव में रफ्तार का कहर, ट्रक से टकराई परिवहन की बस, ड्राइवर की मौत, तेज घायल। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में भीषण सड़क हादसा, खड़ी ट्रक से टकराई कार, चार की मौत। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर चेकिंग के दौरान 480 पेटी अवैध शराब बरामद, करीब 10 लाख रुपए की बताई जा रही कीमत। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में केंद्र की औद्योगिक नीति के खिलाफ मजदूर संगठनों का विरोध प्रदर्शन, सड़क पर घंटों जाम। अंबाला में रेलवे कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, निजीकरण को लेकर सरकार की कड़ी चेतावनी। अमृतसर में तरन तारण रोड पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। उधमपुर में तैनात कानपुर के एयरफोर्स कर्मी ने खुद को मारी गोली, परिजनों में कोहराम। कानपुर में कारोबारियों का प्रदर्शन, चीनी सामान और कंपनियों के भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत। चंदौली में तेज हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई बुलेरो, दो की मौत। झारखंड के देवघर में दिल दहलाने वाला हादसा, सीवर की जहरीली गैस से दो मजदूरों समेत छह की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर